हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी देखने जा रहे हैं। पहला फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहला है रोडवेज। इंडिया के पास बहुत बड़ा 2.3 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। रोड्स के कंस्ट्रक्शन में कंपैरेटिवली पैसा भी थोड़ा कम लगता है। रोड्स डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिकल है और ये बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की फीडर भी है, जैसे जब सामान रेलवे स्टेशन से सी पोर्ट के बीच में ले जाना हो। रोड्स को कुछ मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये हाईवे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को कनेक्ट करते हैं। इनमें 6 लेन होती हैं। इसको NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करती है और संभालती है। इसका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवेज ये कंट्रीज के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करता है। इसको CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाती है और मेंटेन करती है। शेर शाह सूरी मार्ग उस हाईवे का नाम है जो दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवेज, ये रोड्स स्टेट्स टू स्टेट्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। इसको स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये रोड्स एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। कुछ दूसरी टाइप्स की रोड भी होती हैं, जैसे कि रूरल रोड्स जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनती है, वो रूरल एरियाज को सिटी से लिंक करती है। बॉर्डर रोड, इन रोड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ये रोड डिफरेंट टेरेन में बनी होती है और बॉर्डर एरियाज को एक्सेसिबल और डेवलप्ड करती है। रोड्स दो तरीके की होती हैं, मेटल रोड्स जो कि सीमेंट, कंक्रीट, डामर से बनी होती हैं और ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, और दूसरी अनमेटल रोड्स क्रश्ड पत्थर से बनी होती है जो सिर्फ ड्राई रीजन में यूजफुल होती है। रोड डेंसिटी, ये लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर को बताती है। दोस्तों, रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। रोड डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला। नेशनल रोड डेंसिटी अराउंड 75 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग रोड ट्रांसपोर्ट, अपने यहाँ ट्रैफिक के वॉल्यूम के हिसाब से रोड्स इनएडुकेट हैं, कम हैं। आधी से ज़्यादा रोड्स अनमेटल्ड हैं और रेनी सीजन में यूज नहीं करी जा सकती। रेलवे, रेलवे एक मेजर प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर्स के लिए। ये मल्टीफंक्शनल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज एक्सेट्रा। चैलेंजेस टू इंडियन रेलवे, रेलवे लाइंस सैंडी, हिली, स्वैम्पी और माउंटेन रीजन्स में ले करना बहुत मुश्किल होता है और नदी वगैरह के ऊपर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। रेलवे लाइंस में सिंकिंग, लैंडस्लाइड्स और ब्लॉकिंग का डर रहता है। बहुत से लोग बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठ जाते हैं और लोग चेन खींचते हैं, ट्रेन को फोकट में ही रोक देते हैं। चोरियां भी बहुत होती हैं। पाइपलाइंस को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉलिड्स को भी पाइपलाइन के थ्रू भेजा जा सकता है जब उसको थोड़ा गीला यानी स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। इसकी एक बार की सेटअप कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और ये ट्रांसशिपमेंट और डीलेज को रोकता है। इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स, अपर असम ऑयल फील्ड से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड अलाहाबाद, गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक वाया विरंगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, हजीरा गुजरात से उत्तर प्रदेश जगदीशपुर तक वाया मध्य प्रदेश वाया विजयपुर। वाटरवेज, एक कंट्री का 95% ऑफ टोटल ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। सीवेज सबसे सस्ता और सस्टेनेबल ऑप्शन है भारी और बड़े गुड्स को कैरी करने के लिए। ये फ्यूल इफिशियंट और इको फ्रेंडली भी होता है। इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवेज है। गंगा बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर और केरला की 205 किलोमीटर लंबी वेस्ट कोस्ट कैनाल आर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट।
मेजर सी पोर्ट्स। कांडला, ये ग्रेनरी के इम्पोर्ट्स को इजीली हैंडल और क्रेटर करने में हेल्प करता है। मुंबई भी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। मैंगलोर पोर्ट आयरन ओर के कॉन्सेंट्रेट्स को एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस। ट्यूटिकॉन तमिलनाडु। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, लैंड से सराउंडेड है। प्रदीप पोर्ट ऑफ ओडिशा, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। एयरवेज, ये सबसे फास्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस होता है। ये बहुत मुश्किल टेरेंस जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और माउंटेन्स को आराम से पार कर लेता है। फ्लाइट्स दो तरह की होती है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंडिया के बीच में चलती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में चलती हैं। पवन हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑयल और नेचुरल गैस के कमीशन को ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस, एयरवेज बहुत कॉस्टली है और कॉमन पीपल की रीच में नहीं है। कम्युनिकेशन, आज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फिजिकल मूवमेंट के बिना बहुत आसानी से हो जाता है। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। दो टाइप्स के मेल होते हैं, क्लास वन मेल्स जिसमें कार्ड्स और एनवलप्स आते हैं, क्लास टू मेल्स जिसमें बुक पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स आते हैं। 6 मेल चैनल्स को रिसेंटली में इंट्रोड्यूस किया गया है, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। टेलीकॉम नेटवर्क, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस में STD फोन्स अवेलेबल हैं। इंडियन रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये चैनल्स नेशनल रीजन में अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसमिट करते हैं। इंडिया में एनुअली लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्ड फिल्म्स और फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है जो इंडिया में इंडियन फिल्म्स और फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करती है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड मतलब गुड्स का एक्सचेंज, और अगर यही एक्सचेंज कंट्री के बाहर हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब एक्सपोर्ट करने की वैल्यू इंपोर्ट करने की वैल्यू से बढ़ जाती है तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। टूरिज्म एज ट्रेड, टूरिज्म इंडिया में थोड़ा टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोर देन 15 मिलियन लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली इंगेज हैं जो हमारे कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करता है, बूस्ट करता है। एग्जांपल राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा। दोस्तों, मैंने डम टू इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स और क्लास 10 सोशल के बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोज़ डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।